नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हर सुबह 8 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और 9 बजे तक हमारा साथ रहता है, और इस 1 घंटे हम कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह खुशगवार बना दें। आज आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ आपका मेजबान तबरेज़ मदनी, और मेरा साथ दे रहे हैं इस प्रोग्राम में मेरे साथ जीलानी। बस आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम और आप छोटे भाइयों की दुआएं हैं कि जिनकी वजह से जिंदगी खुशगवार तरीके से कट रही है। बस आप, एक बड़ी खूबसूरत बात है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जितना अच्छा सोचते हैं जिंदगी में उतना अच्छा होता है। बेशक, आप बहुत अच्छा सोचें, अच्छे थॉट्स रखें, अपने लिए भी और अपने दूसरों के लिए भी, और खासकर अपने भाई के लिए। बिल्कुल, आप मेरे छोटे भाई हैं, अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगा तो डेफिनेटली मेरे लिए भी ऊपर वाले ने अच्छा ही रखा होगा। बिल्कुल, और प्रोग्राम का आगाज भी, हम मॉर्निंग का आगाज भी पॉजिटिव थॉट से करते हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम से करते हैं, और पॉजिटिव थॉट ही रहना चाहिए दिन भर, क्योंकि पॉजिटिव अगर हम सोचेंगे तो हमारी लाइफ में जो है, जो थिंग्स है ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव होंगी। और ये भी कहते हैं ना, कर्मा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारी लाइफ में, और जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं नेगेटिव वापस आ जाता है। खैर, और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इसके अलावा, और आर्टिकल रिगार्डिंग था कि आप पहले मुझे बताइए कि आप आज कैसे आए, कैसे आया, मतलब आप गाड़ी से आए, बाइक से आए, किससे आए आप? आया तो मैं गाड़ी से, लेकिन गाड़ी से आने के बाद एक अफसोस लगा रहता है। जी बताइए। एक तो आजकल हमारे कश्मीर में, खासकर श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें, ट्रैफिक जैम इतने ज्यादा होते हैं कि आप 15 मिनट के सफर में आपका घंटा भर निकल जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि आपका फ्यूल इतना ज्यादा फूकता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि इतना ज्यादा तेल जाता कहाँ है, और उसके बाद माइलेज जो आपकी गाड़ी की, कभी कुछ होती है, कभी कुछ और होती है, कुछ समझ ही नहीं आता। बिल्कुल, और इसी रिगार्डिंग मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और आर्टिकल था कि ऑयल डेंसिटी के हवाले से, क्योंकि अक्सर हमारी ये शिकायत रहती है कि हम पेट्रोल डालते हैं, मैनुअल गैस डालूं, ऑटोमेटिक गैस नित्राउन के या नोजल पे जो है हमारी नजर होनी चाहिए, पर इसके अलावा एक और चीज है, दैट इज ऑयल डेंसिटी। नाजर मोहतरम, और मैंने भी पहली बार ही सुना कि ये आर्टिकल पढ़, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता थी। अक्सर हम देखते हैं पेट्रोल पंप पे जब हम जाते हैं, रेट होती है वहां, और रेट के नीचे डेंसिटी होती है, और डेंसिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओएमसीज है, जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये मुंशासन दुतमताक पर्टिकुलर डेंसिटी इनको प्रोवाइड करनी होती है, जो भी इंडियन ऑयल है या भारत पेट्रोलियम है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, मुंशासन आख पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल गैस एंड पेट्रोलियम की तरफ से इनको एक डेंसिटी दी जाती है, और वो इनको रिफाइनरीज में अपने जो है प्रोवाइड करना होता है। तो स्वच्छ आसा स्वच्छ वेरीज करा, पेट्रोल की अगर हम बात करें नाज़िम मोहतरम, वो वेरी करती है फ्रॉम 720 to 775, और डीजल की बात करें तो 820 to 865। तो खास तौर पर इसका जो है ख्याल रखना चाहिए, जब भी आप पेट्रोल डलवाएं या डीजल डलवाएं, जब भी आप ऑयल डलवाएं, और ये शासन बॉन के इंशासन रेट, शासन रेट बॉन के इंशासन डेंसिटी, क्योंकि शिकायत हम इस पर करते हैं कि शायद दो तीन दिन पेट्रोल बोर होते हैं बराबर के फूल बोर, पर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है, नहीं होता। और आप देख लीजिए, अब तेल के भाव भी इतने ऊंचे हो गए हैं कि अब इंसान सोचता है, एक मिडिल क्लास बंदा सोचता है कि सच में उसे गाड़ी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि दिन ब दिन तेल के भाव बढ़ रहे हैं। हालांकि आज मैं अखबार में देख रहा था कि एलपीजी जो सिलेंडर्स है, कमर्शियल सिलेंडर, उसमें 100 रुपए की जो कमी कर दी गई। हालांकि वो बाद में हम सुर्खियों में पढ़ेंगे, जो हमारे अखबार की सुर्खियां होती है उसमें हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में बहुत कुछ है। आज भी बिल्कुल मौसम के हवाले से, हम सबसे पहले मौसम और सड़क का जो हाल है वो वसाफ हमें बताते हैं हमारे देखने वालों को। तो आइए वसाफ से जानते हैं आज मौसम का क्या हाल रहने वाला है और सड़क की सूरत हाल क्या है। जी नाज़रीन, आज श्रीनगर में मतलब साफ रहेगा, श्रीनगर जम्मू लेह में, और श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस की रहने की तवक्का है। जम्मू में 34 और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस, लेह में 24 और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलें तो आज NH 44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है। मुगल रोड पर भी आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है। ताहम मजीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप रुक कर सकते हैं, जो उनके हैंडल्स होते हैं, ट्रैफिक हैंडल्स होते हैं, उन पर आप हैंडल उन पर आप रुक कर सकते हैं और ओवरली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, ये तो प्रोग्राम के आगाज में ही हम कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं, इसके अलावा हमने एहतमाम रखा होता है एक खूबसूरती सौगात का। बिल्कुल सर, बताइए आज किस। बिल्कुल, आज एक बहुत ही प्यारी सी सौगात है हमारे देखने वालों के लिए। आगाज में ही आपको हम सुनवाएंगे एजाज राह और महमूद सईद की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा नगमा, आइए एंजॉय करते हैं। हे,
कवल कवल कवल
नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और गुड मॉर्निंग जैन के बराए रास्त डी डी कशीरिन चैनल पे देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास एक अखबार है और इसकी एक सुर्खी है, स्पोर्ट्स पेज से है, स्पोर्ट्स शायकीन के लिए, फैंस के लिए। एंड अनफॉरगेटेबल एशेज सीरीज एंड्स विद ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एट 2-2। और ज़बरदस्त सीरीज नाज़रीन मोहतरम, ये ज़बरदस्त सीरीज थी इस बार की एशेज़। और माहिरीन का ये कहना है कि जो ये सीरीज थी, क्योंकि 2005 की जो सीरीज थी, इट्स कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एशेज सीरीज, बट इस बार की जो सीरीज थी वो बड़ी ज़बरदस्त सीरीज थी। क्योंकि इसमें हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले इंग्लैंड को बीट किया दो टेस्ट में, फर्स्ट टू टेस्ट में। फाइव मैचेस की सीरीज होती है, फाइव टेस्ट होते हैं इसमें, और जो थर्ड टेस्ट है वो इंग्लैंड ने जीता, फोर्थ ड्रॉ हुआ और अगेन फिफ्थ इंग्लैंड ने जीता। और जो इस टाइम पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं तबरेज साहब, बैस बॉल क्रिकेट कहा जाता है, जो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इंग्लैंड जो है इन दिनों क्रिकेट खेल रही है, और कंप्लीट उसने डायनेमिक चेंज कर बिल्कुल दिया है इंग्लैंड ने, पूरा पूरा चेंज कर दिया है और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जो पोजीशन है क्रिकेट में फिर से बनाई है। और जैसा कि अभी वसाफ ने कहा कि एशेज में अब की बार एक बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिला बिल्कुल, और वो दिखाया इंग्लैंड ने। हाँ, और कंप्लीटली डिफरेंट क्रिकेट खेला, पॉजिटिव क्रिकेट खेला इंग्लैंड ने, जिस जिस तरीके से वो टू डाउन थे उसके बाद कमबैक किया। एंड देन फिर ये भी कहा जाता है कि जीत रहे थे फोर्थ टेस्ट, बट फिफ्थ टेस्ट में एंड लास्ट स्टुअर्ट ब्रॉड का भी लास्ट टेस्ट सीरीज था रिटायरमेंट के लिए, और बड़ा जबरदस्त बॉलिंग हुई। और खैर नाज़रीन मोहतरम, ये कुछ बातें होती हैं प्रोग्राम के आगाज में हम आप तक पहुंचाते हैं, और वक्त हो चुका है आपकी मुलाकात कराने का आज के हमारे मेहमान से। लेकिन उससे पहले नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना होगा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन की। खांदर वोत कलस पेट मैं वही तो विन ती गई ना तैयारी तैयारी कैसे सारी पाने तु न चुन समझे नी सोन जायदाद कत अनव यपर चु हॉल मार्क तफरीक सन कूर यी पराव न सिर्फ तो सिर्फ एजाज ज्वेलर्स निश अन मितिस सोन तो जायदाद सत यूस कशीर हिंदन महरीन हंस शूब शु बढ़ावान एजाज ज्वेलर्स जी आर शॉपिंग सेंटर कैद कदल नालेमा रोड श्रीनगर। इस मुख्तसर से वक्फे के बाद आपका फिर इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के में। जी हाँ, हमने बात की एशेज की और वसाफ डिटेल दे रहे थे एशेज की, और बताया कि इंग्लैंड ने कैसे कमबैक किया और किस तरह से दिखाया कि इंग्लैंड किसी से कम नहीं। और स्पोर्ट्स का एक सबसे बड़ा फायदा है, हम चाहते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाएं और बच्चों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स सिखाती है बच्चों को कि हार कर दोबारा जीत के लिए कैसे खड़ा किया जाता है अपने आप को, कैसे कमबैक किया जाता है। और ये चीज इंसान अपनी जिंदगी में फिर लाता है। जिंदगी में हमेशा खुशियां नहीं मिलती, कभी कभार गम भी आते हैं, कभी कभार ठोकर भी लगती है, लेकिन ठोकर लगने के बाद दोबारा खड़ा होकर इंसान आगे बढ़े अपनी मंजिल के लिए, वो इंसान कहता है पॉजिटिव अप्रोच, वो पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। और उसी के हवाले से बच्चों को स्पोर्ट्स में लाइए, सेहत भी बनी रहेगी और सेहत के साथ साथ उनका जो पॉजिटिव अप्रोच बनेगा लाइफ की ओर, वो डेवलप होता है। खैर, बहुत सारी बातें हैं आज करने को, लेकिन खास बात यह है कि आज के जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवानी है। आज हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हमारे, ये मेंबर है स्टेट कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जेएनके के, नाम है महीप गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया जिससे मैं आपके अपने खित्ते के जो नाजरीन हैं उनको मुखातिब कर सकूं और अपने बारे में कि जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ रोशनी डाल सकें। एक हमारा ड्यूटी का पार्ट है कि कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करनी जी, है, तो व्हाट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म देन दिस टू क्रिएट बिल्कुल सही अवेयरनेस। फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे आज के इस प्रोग्राम के लिए दे दिए, उसके लिए हम आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जानना चाहेंगे आपसे आगाज में ही, महीप गुप्ता जी नाम है आपका, तो कहीं ना कहीं आप जम्मू कश्मीर से ही हैं, अपने बारे में मुख्तसरन कुछ बताएं, कहाँ से हैं, कहाँ पैदाइश हुई और कैसे आप इस कमीशन में पहुंचे? बेसिकली हम लोग मीरपुर से हैं, जिसे हम यहाँ पे पीओके का हिस्सा है जी। तो वहां से माइग्रेशन के बाद काफी जगह घूमने घामने के बाद तो जो मेरे ग्रैंडफादर थे जी, वो पठानकोट में सेटल हुए, बट फिर उसके बाद मेरे फादर एलआईसी में जॉब करते थे तो वो जम्मू में सेटल्ड थे, उनकी जॉब जम्मू में ही थी जी। तो मेरा बर्थ सिर्फ पठानकोट में हुआ है, जस्ट बिकॉज कि
तब ऐसा होता था कि या तो आपका ददिहाल बोले जो इतना निहाल उसमें कहीं, तो उस तरह से मैं पठानकोट में बर्थ प्लेस है मेरा, अदरवाइज आई हैव बीन रोटेन बोर्न एंड ब्रॉट अप एट जम्मू ओनली, बोर्न इन पठानकोट ब्रॉट अप इन जम्मू, तो स्कूलिंग मेरी सारी जम्मू से है, कॉलेज मेरा जम्मू से है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी जम्मू में, समहाउ कंप्लीट नहीं कर पाया, जॉब लग गई तो छोड़नी पड़ गया, तो अदरवाइज मतलब जम्मू से ही ताल्लुक है आपका, ताल्लुक है मेरा जी। जानना चाहेंगे आपसे जो कमीशन है जम्मू कश्मीर का, रिड्रेसल कमीशन, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है कंज्यूमर्स के लिए, ये वजूद में कब आया और क्यों वजूद में लाया गया इसे? मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेना चाहूंगा, थोड़ा सा इससे पीछे जाना चाहूंगा। अगर हम अपने सिस्टम को देखें तो ये हमारे यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली, तो हमारे यहाँ तो ये तो टाइम्स इमोर्टल से चलती आ रही हैं चीज़ें। अगर आप अपना अर्थशास्त्र उठाकर देखें, उसमें भी इसके प्रोविजंस थे, दंड का विधान था, स्ट्रिंजेंट मेजर्स थे, खासकर नाप तोल पे और कुछ जो कमोडिटीज ग्रेन्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो थी उनके ऊपर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस थी, राजा का काम था कि उनको रेगुलेट करना। इवन फॉर दैट मैटर अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स देखें, कुरान की बात कर लें, कुरान में कई ऐसी आयतें मिलेंगी आपको, वर्सेस मिलेंगी जहाँ पे मैं एग्जैक्टली तो नहीं कोट कर पाऊंगा वर्स कौन सी है, लेकिन आप शायद उसमें मुझे सेकंड करेंगे कि ऐसी वर्सेस हैं कि जहाँ पे जो कम नाप तोल है खासकर उसके लिए अल्लाह ताला भी उसके लिए सजा है, सजा है, कानून बना हुआ है कि वो नहीं कर सकते। ये बैकग्राउंड तो चल ही रही थी जी। उसके बाद फिर जब अंग्रेज आ गए, उसके बाद कुछ एक्ट्स बने जिसमें अलग अलग थे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट हो गया, इस तरीके के मुख्तलिफ एक्ट थे जो चीज़ों को उसमें कर रहे थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दुनिया एडवांस होती गई और ये कंज्यूमरिज्म और कंज्यूमर राइट्स के लिए अवेयरनेस बढ़ती गई, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो 15 मार्च 1962 को जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकन पार्लियामेंट में कंज्यूमर राइट्स के ऊपर एक बिल लाया। उसी सिलसिले में, उसी हवाले से आज 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें परकुलेट होती गई जी। तो इंडिया में भी जरूरी समझा गया कि कंज्यूमर कमीशन होनी चाहिए, जिसके लिए एक अलग रास्ता, एक डेडिकेटेड पाथ बनाया जाए, जिसमें कंज्यूमर को ईजी, सस्ता और स्पीडी रिड्रेसल मिल जाए जी। तो फिर आ गया हमारे पास इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जी। अब चूंकि जेएंडके हमारा थोड़ी इसकी नोयत डिफरेंट थी, तो जेएंडके में कुछ चेंजेस के साथ ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987 लागू था यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग से था। बिल्कुल, मोटा मोटा तक लगभग हर चीज बराबर थी, बराबर, बट सिर्फ फर्क यह था कि यहाँ पे जो स्टेट कमीशन थी, स्टेट कमीशन के बाद जो उसकी अपील थी, अगर कोई उसके फैसले से दुखी है तो वो हाई कोर्ट में जाता था, जबकि जो बाकी मुल्क में था एक्ट, उसमें स्टेट के बाद नेशनल कमीशन में अपील होती थी, नेशनल के बाद सीधी सुप्रीम कोर्ट में होती थी, हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं था। ठीक, अब विद द रिस्ट्रक्चरिंग वो वाला एक्ट रिपील हो गया और नया एक्ट आ गया, इनफैक्ट 2019 वाला, इनफैक्ट इन बिटवीन इंडिया में भी जो 86 वाला एक्ट था वो उसको ऑब्सलीट हो गया, 2019 आ गया, क्योंकि लॉ बेसिकली एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है जी। पहले जो कंज्यूमर कौन है, तो कंज्यूमर वही है जो कोई सर्विसेज या गुड्स खरीदेगा। बिल्कुल, तो अब हमारे प्लेटफॉर्म्स बदल गए। 86 में जब वो एक्ट था हमारा, उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग, टेली शॉपिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ये चीजें थी ही नहीं जी। बिल्कुल, तो इनके लिए कोई उसमें प्रोविजन ही नहीं था, कानून में कोई प्रोविजन नहीं था। तो अब दो ही तरीके थे, या तो उस एक्ट को अमेंड किया जाए या उसको ऑल टुगेदर चेंज करके नया ले आया जाए। तो लेजिस्लेचर ने ये बेटर समझा कि बिल्कुल नया ही ले आया जाए, क्योंकि इसमें अब मूलभूत चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी। तो जब एक बेसिक स्ट्रक्चर ही पूरे का पूरा चेंज करना है, तो एट टाइम्स इट इज बेटर टू ब्रिंग अ न्यू थिंग रादर देन टू मेक द अमेंडमेंट्स इन द ओल्ड। तो वो बिल्कुल नया ले आया, उसका थोड़ा
स्कोप और बहुत ज्यादा वाइड हो गया, जरूरत थी टाइम की, क्योंकि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं पर्टिकुलर, आज आप देखें आप शायद जो कपड़े हमने पहने हैं तो 60% चांसेस हैं कि ये शायद हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगाए हों, ऑनलाइन मंगाए हों जी, तो उन चीजों वहां भी तो कंज्यूमर है, राइट्स तो उसके भी हैं, तो उन राइट्स को जब हमने प्रोटेक्ट करना है तो इन चीजों के लिए भी कानून चाहिए था, तो इसलिए 2019 का कानून आ गया। अब 2019 और 1986 वाले कानून में एक और जो सबसे बड़ी मेजर चेंज आई वो आ गई आपकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। अब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होती है कि सपोज मैं कंज्यूमर हूं, मेरे राइट्स वायलेट हुए हैं, तो अब मुझे कहां जाना है। तो 1986 वाला एक्ट ये कहता था कि आप उस जगह जा सकते हैं जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। सपोज मैं श्रीनगर का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली गया, मैंने वहां से एक शर्ट खरीदी थी, ठीक है, अब वो शर्ट डिफेक्टिव निकल आई, अब मुझे उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है जी। तो उस एक्ट में मुझे या तो वो दिल्ली में करनी थी जाकर, या अगर उसकी कोई ब्रांच इधर है तो फिर वहां तब मैं यहां कर सकता था जी। मतलब अगर उनका कोई ब्रांच यहां पे है कुछ है तो तब मैं यहां कर सकता था, या नियरेस्ट है जम्मू में है तो जम्मू जाके करनी। अब एक 500 रुपए की शर्ट है, इट्स नॉट द मैटर ऑफ 500 रुपीज, मनी की अब मैटर नहीं है, मैटर है कि मेरा राइट की वायलेशन हुई है। अब उसके लिए अगर मुझे दिल्ली जाना पड़ता था तो बड़ा दिक्कत था, तो उस चीज को आज की डेट में एक बहुत लिबरल अप्रोच और बड़ी अच्छी अप्रोच, कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाई गई। तो आज कंज्यूमर अगर मतलब चाहे मैंने कहीं से भी लिया है तो अपने मैं जहां रहता हूं ऑर्डिनरीली, सपोज जैसे मैं रहता तो जम्मू में हूं, आजकल आप कश्मीर में, लेकिन मैं कश्मीर में हूं, तो नाउ फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग मैं यहां पे रहता हूं सपोज, तो फिर मेरे पास मैं श्रीनगर में भी जा सकता हूं कमीशन के पास। ये हो गया एक आस्पेक्ट इसका। दूसरा आस्पेक्ट है पेक्यूनरी। पहले क्या था कि पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की लिमिट बहुत छोटी थी, वो लिमिट कम होने की वजह से क्या होता था कि अक्सर लोगों को स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में जाना पड़ता। हमारा 3-tier स्ट्रक्चर है जी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, नेशनल जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वो क्या होता था कि जैसे पिक्यूनरी लिमिट ऊपर चली जाती थी तो मुझे स्टेट में जाना पड़ता था जी। तो आप सोचिए एक आदमी जो से सोपर में रहता है या एक आदमी जो कठुआ में रहता है, अब उसके पास ऑप्शन है या तो वो जम्मू आएगा या श्रीनगर जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी ना। तो जो हमने उसे जस्टिस देना उसे डोर स्टेप पे कैसे दे, तो उसने पिकनरी लिमिट भी बढ़ा दिया गया जी। और उसमें एक और बहुत बड़ा चेंज किया गया, पहले पिकनरी लिमिट जो थी वो दावे के साथ थी कि आपने सपोज क्लेम किया है 5 लाख का, तो उससे डिसाइड होता था कि आप कहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे कि स्टेट कमीशन में जाएंगे, नेशनल में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब वो जो लिमिट्स हो गई हैं उसमें वो दावे वाला पार्ट खत्म कर दिया उन्होंने कि उससे कुछ लेना देना नहीं कि आप क्लेम क्या कर रहे हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपने खर्चा क्या किया है। मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ और शायद ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें क्लैरिटी चाहिए जी। सबसे पहले तो देखें कि आज की डेट में हमारी लिमिट्स क्या है, वो है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड। 50 लाख से 50 लाख तक अगर मैंने पेमेंट करी है तब मैं जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, अगर 50 लाख से ऊपर है तब मैं जाऊंगा स्टेट कमीशन में, अगर 2 करोड़ से ऊपर है तब मैं जाऊंगा नेशनल कमीशन में। तो ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के पास एक एडिशनल वो भी है कि यहाँ पे आदमी अपील, ये हमारा एक तो ओरिजिनल कंप्लेंट के लिए प्लस अपील है, तो डिस्ट्रिक्ट की अपील हमारे पास आएगी, हमारी अपील नेशनल में जाएगी। तो पेक्यूनरी जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज फॉर ओरिजिनल कंप्लेंट, नॉट फॉर अपील्स, ठीक है। तो अब वो जो 50 लाख हो गया उसके बाद 1 करोड़ हो गया, तो वर्चुअली ये हो गया कि आज की डेट में 99.99% के लोगों को जो जस्टिस है वो उनके डोर स्टेप्स पे ही मिलेगा, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा। क्योंकि
हम में से एटलीस्ट जेएनके की अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि मोर और लेस हम भी जो स्टेट कमीशन है आज की डेट में अपेलेंट फोरम ही बन गए, क्योंकि हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे समझते हैं आप जो 50 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं, वेरी रेयर, और वो जो स्टार्टा है सोसाइटी का उनको शायद हम लोगों की जरूरत भी नहीं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाके अगर कोई आएगा आर्किटेक्ट में, मुझे जो लगता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे किसी ने कोई फ्लैट खरीदा है तो वहाँ पे नेचुरली डील बड़ी होती बड़ी है होती तो है। वो शायद स्टेट कमीशन में उसकी डायरेक्ट लाई करेगी, कंप्लेंट लाई करेगी। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा मैं एग्जाम्पल ये दे रहा था जिससे और क्लियर हो जाए, वाजा हो जाए चीज। मैंने एक गाड़ी ली जी, उस गाड़ी की कीमत है 55 लाख, ठीक है। मैंने उसकी इंश्योरेंस करवाई, मैंने इंश्योरेंस की प्रीमियम दी से 50,000। ओके, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम में कुछ गफलत, मुझे लग रहा है कि मेरे राइट की वायलेशन हुई है, अब मुझे कंप्लेंट करनी है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इससे और वाजह हो जाएगा कि मुझे मेरी कंप्लेंट कहाँ होगी। अगर ये देखें कि 50 लाख से ऊपर है तो फिर नेचुरल में होना चाहिए, 50 लाख से ऊपर हम यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि मेरी कंप्लेंट है किसके अगेंस्ट, मेरी ग्रीवेंस किसके अगेंस्ट है। इंश्योरेंस कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी को मैंने कितना पैसे दिए, 50,000 रुपए देन डिस्ट्रिक्ट में आगे, डिस्ट्रिक्ट में आगे। अब इसी गाड़ी को ले जाता हूँ मैं वर्कशॉप में जी, वहां पे मेरा रिपेयर का बिल आ गया 2 लाख रुपया, लेकिन समहाउ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपेयर्स। नाउ आई वांट टू गो, कहां जाऊं, कहां जाऊंगा मैं आपके हिसाब से? डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में। अब यही गाड़ी 55 लाख की जो मैंने ली है, इस गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक है। तो आई वांट टू सी द डीलर एंड द मैन्युफैक्चरर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वेयर शुड आई गो नाउ? नेशनल, नेशनल। सो दिस इज हाउ द थिंग्स इट वर्क्स, हैव टू वर्क। अब मैंने 2 करोड़ मांगा, 5 करोड़ मांगा, 10 करोड़ मांगा, उसे कोई लेना देना नहीं है। जो खर्चा किया आपने ना, मेरी ग्रीवेंस किसके अगेंस्ट है, उसको मैंने कितने पैसे दिए देने जी। बहुत बहुत शुक्रिया, इस हवाले से हम जरूर और बात करेंगे, मजीद बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम, वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं और मजीद आज के मेहमान से गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मुल्क और मुल्क से बाहर बे औलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बे औलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरबल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम और वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां। मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जुलाई 2023 में बारिशें ही बारिशें रिकॉर्ड की गई, श्रीनगर में 132 साल रिकॉर्ड टूटा, कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी काफी ज्यादा बारिशें। जी जी, मेरे हाथ में एक अंग्रेजी खबरनामा है, ये लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप आर्टिकल 370 पिटीशन फ्रॉम टुडे। इसके अलावा इसी अखबार की एक और सुर्खी है, 1.27 करोड़ टूरिस्ट अराइव्ड इन जैन के दिस ईयर सो फार। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जहां पर कहा जाता है कि 1,27,00,000 टूरिस्ट अभी तक जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, लिखते हैं लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, जैन के हैज सेट अप 20 चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज। ये स्मृति ईरानी का बयान है। जी बस जी, मेरे पास एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। LG अर्जेस लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्जेस यू टू कंट्रीब्यूट इन एनरिचिंग कल्चर हेरिटेज, एटेंस कैलाश संस्कृत रत्न पुरस्कार सेरेमनी एट जम्मू। जी ये उर्दू अखबार मेरे हाथ में है, इसकी एक खबर है कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी।
अखबार कुछ इस तरह से लिखता है कि ये जो हमारे कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनमें 100 रुपये की कमी आ गई है, 99.75 पैसा की कमी आ गई है, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उनकी कीमत ज्यों की तूं। ये एक खबर है इसी अखबार की। एक और खबर है हर घर नल से जल की तस्दीक की खातिर, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, हर घर नल से जल की तस्दीक की खातिर JJM फोर्टनाइट का आगाज। ये जम्मू कश्मीर साल के आखिर तक 100% हर्फ हासिल करने के लिए तैयार, चीफ सेक्रेटरी का ये बयान। जी मेरे पास आखिरी अंग्रेजी रोजनामा इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर विटनेसिंग अ न्यू एरा ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन, लाइवलीहुड प्रमोशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्रिंगिंग चेंज इन लाइव्स ऑफ नोमैडिक ट्राइबल। जी मेरे हाथ में एक अंग्रेजी अखबार है और इसकी खबर एक है, ये स्पोर्ट्स पेज से खबर है कि DIG SKR इनॉग्रेट्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा। ये एक खबर, और दूसरी बहुत बड़ी खबर इसी स्पोर्ट्स पेज से कि 19th JNK पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल टूर्नामेंट कंक्लूड्स इन TRC टर्फ। जी हाँ, ये कल टूर्नामेंट मुकम्मल हुआ जिसमें 46 टीमों ने शिरकत की थी, और अब की बार पहली बार इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में फीमेल टीम्स को भी मौका मिला था, और 4 फीमेल टीम्स ने इसमें शिरकत की थी, और अब की बार FC1 ने इस खिताब को अपने नाम किया, और लड़कियों में कश्मीर एरोज की टीम ने ये खिताब हासिल किया। तो ये थी अखबार की सुर्खियां। जी बस, और आज नाज़िम मोहतरम हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है माहीब गुप्ता, जो कि मेंबर स्टेट कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जम्मू एंड कश्मीर के मेंबर हैं। और माहीब साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले थोड़ा सा ये एक जो है कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए, ये कमीशन है और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ये है फूड एंड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है आपस में, इस सवाल से हमें बताइए। एज फॉर द कमीशन इज कंसर्नड, कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक, बट एट द सेम टाइम अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कहीं ना कहीं से उसको कोई फीडिंग डिपार्टमेंट तो चाहिए जी, ओके, किसी मिनिस्ट्री के अंडर तो होगी, बिल्कुल, तो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, तो अब अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री तो सिंगल है बट उसके दो विंग्स बना दिए उन्होंने, कंज्यूमर अफेयर्स इज अ सेपरेट विंग, नीचे जो सेक्रेटरीज लेवल पे उन्होंने बाइफरकेशन कर दिया। हमारी स्टेट में इट इज अ सिंगल मिनिस्ट्री, मतलब सिंगल हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उन्हीं के अंडर है ये, तो फीडिंग डिपार्टमेंट जो कह लीजिए, पेरेंट डिपार्टमेंट फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट गाइडेंस, वो कंज्यूमर अफेयर्स के पास है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमीशन का? आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो अगर मैं आपका नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ, वसाब भाई ने डेंसिटी के ऊपर बात करी जी, फ्यूल की डेंसिटी, फ्यूल डेंसिटी के ऊपर बात करी। ऐसी दसियों हजारों चीजें हैं जो हमें पता नहीं, शायद हमें जानबूझकर बताई ही नहीं जाती, ओके, हम जानना भी नहीं चाहते, बेशक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती हमारी भी है, तो हम जानना भी नहीं चाहते। तो लेकिन जैसा आपने बोला, मैं कहता हूँ ऐसी चीजें रोज बिना नागा एक किसी एक चीज को पकड़ के आपको चलना चाहिए। तो ये जो डेंसिटी वाला, अब चूंकि नाव मैंने भी बाई चांस कल ही देखा था ये, अच्छा, तो जब आपने बात करी उसी वक्त वो पिक्चर भी मेरे सामने आ गई वो मीटर के ऊपर, जी बिल्कुल, ठीक है, तो ये जो डेंसिटी वाला इश्यू है, नाव ये जो पैरामीटर्स हैं, इट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड समवेयर इन द पेट्रोल पंप इटसेल्फ, मीटर के साथ ही कहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जी, मीटर के साथ है रेट नहीं, मीटर वो है कि वो डेंसिटी डिस्प्ले कर रहा है कि डेंसिटी कितनी है। अब आपने जो सुबह पैरामीटर्स बताए थे, रेंज बताई थी जो, वो रेंज तो मैं अब तक भूल गया, वो रेंज तो अब तक मैं भूल गया, वो मुझे कैसे याद रहेगी, तो इट शुड बी समवेयर डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली, ठीक है। तो ये मुहिम, आप चूंकि मीडिया हैं, मीडिया में बहुत बड़ी एक ताकत है जी, और ये ऐसी चीज नहीं है कि जो अनडूएबल है जी, प्रोबेबली इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, ये बड़ी आसानी से हो सकती है, तो इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। अब इसमें किसी को उस डेंसिटी से कम मिल रहा है जी, तो साहब भाई ने चूंकि प्रोग्राम की लिमिटेशन थी तो उसे टच किया, मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था कि उसने बोला इसमें मिलावट के चांसेस हैं, तभी डेंसिटी कम होगी, ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू एडल्ट्रेशन विच इज अ राइट, मेरे राइट्स की वायलेशन है एज कंज्यूमर। तो उस अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं,
तो जहां पे भी एज कंज्यूमर मेरे राइट की वायलेशन है तो कंज्यूमर कमीशन इज वन ऑफ द व्हीकल्स फॉर रिड्रेसल. देर आर अदर व्हीकल्स एज वेल, ऑप्शंस एज वेल, बट कंज्यूमर कमीशन इज वन सच एरिया. ठीक है, अब सवाल यह आ जाता है कि वसाब साहब ने जैसे अभी बोला कि ये डेंसिटी वाला इशू इन्होंने हाईलाइट कर दिया. अब जब तक मैं पेट्रोल खरीदता नहीं हूं तब तक मैं कंज्यूमर नहीं हूं. बिल्कुल. या मैं खरीदता भी हूं तो मैं कहता हूं यार मैंने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया था, अब मैं इसके लिए कहां जाऊंगा, क्या करूंगा. आई डोंट वांट कि मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे कोई इसकी कंपनसेशन मिल जाए, बट मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी ये प्रैक्टिसेस स्टॉप होनी चाहिए. ये जो प्रैक्टिसेस स्टॉप होनी चाहिए तो इसके लिए आप देखेंगे हमारे पास एक काउंसिल का कॉन्सेप्ट है. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट काउंसिल, नेशनल काउंसिल, दे आर बेसिकली द क्या कह रहे हैं, एडवाइजरी है इन नेचर है, बट ये डिफेक्टो आपका हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका डिप्टी कमिश्नर है ही इज द इंचार्ज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. इनका काम यह है कि खुद या जैसे आपने बताया टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट एंड टू एडवाइज द गवर्नमेंट टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स. लाइक जैसे अभी हमने यहां बैठे बैठे ये डिस्कस किया कि एक डिस्प्ले होना चाहिए. ठीक है, तो अगर डीसी साहब आपके रास्ते से मेरी बात सुन रहे हैं, डिवकॉम साहब सुन रहे हैं, बिकॉज ये तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाना चाहिए ना, और इसमें तो कुछ करना नहीं है, एक सर्कुलर निकालना कि इसे डिस्प्ले करना है आपको अपने डिस्पेंसर के ऊपर. बिल्कुल. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि कंज्यूमर के राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अवेयरनेस, उसको अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उससे बचाना है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जाए और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट से बचाया जाए. अब अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि जो हमारे वाला कमीशन है, हमारा पोस्टमार्टम रोल कि पहले उसके साथ कुछ हो गया है, उसके बाद वो आ रहा है, इंटरवीन करते हैं. ठीक है, उसके बाद वो हमारे पास आता है. तो लेकिन साथ में जो हमारा सबसे बड़ा जो रोल है, जिस जो जो शायद हमें करने की जरूरत है, वो है अवेयरनेस, ताकि उसे आना ही ना पड़े. बिल्कुल सही, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. ठीक है, तो वो प्रिवेंशन की तरफ जाना है, तो उसके लिए मैकेनिज्म काफी बने हैं. जैसे काउंसिल्स की बात करिए, उसके बाद हमारा एक आज की डेट में आप देखेंगे इस नए एक्ट में एक और प्रावधान हो गया, एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन हो गया है जो दिल्ली में है. उनका काम है जहां पे भी क्लास अफेक्टेड है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से. अभी मैं वक्फे में एडवर्टीजमेंट देख रहा था. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एडवर्टीजमेंट गलत हैं, लेकिन जहां पे कोई मिसलीडिंग है, ठीक है, या जो एथिक्स स्टैंडर्ड्स जो हमारे हैं उसको वायलेट करती है, तो दे विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड दे आर एम्पावर्ड कि वो सीधा उनके ऊपर फाइन इंपोज कर सके. हु विल टेक? कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ओके, ठीक है. तो अभी आप मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लेने में हरज भी नहीं है वैसे. अगर एक ऐड आती थी किसी उसकी टूथपेस्ट की, जहां पे ये क्लेम किया जाता था ये किसी डॉक्टर से रिकमेंडेड है, मतलब डॉक्टर की बॉडी से रिकमेंडेड है, वेयर एज दैट वाज नॉट रिकमेंडेड. ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत एग्जेम्पलरी फाइन इम्पोज हुआ है जी, उनकी एड वो विड्रॉ हो गई है. तो उस पे मतलब ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि प्रोटेक्शन देनी है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, प्लस जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करना है. अब जब हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं तो ये जरूरी है, शायद मैं मौका लेना चाहूंगा कि इस पे आपके नाजरीन को भी ये पता होना चाहिए कि एज ए कंज्यूमर हमारे राइट्स क्या हैं. तो वी हैव द राइट टू सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. आज देखिए आपके जो प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें काफी हजार्डस प्रोडक्ट्स भी होते हैं. ठीक है, तो उसमें एज ए कंज्यूमर मेरा ये राइट है कि कोई भी ऐसी चीज जो मेरी प्रॉपर्टी या मेरी बॉडी को हार्म कर सकती है उसके लिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स अडॉप्टेड हो, विद इन दैट पैरामीटर्स हो. ऐसा नहीं कि आ गया. ठीक है, और इस राइट में एक, इस नए एक्ट में एक बहुत
बढ़िया चीज और आ गई, प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया है। और प्रोडक्ट लायबिलिटी में ये नहीं है कि मैंने आपसे ये कब खरीदा और ये कब डिफेक्टिव है तो ये कब मुझे दे दो, लेकिन इसमें ये इसका स्कोप बहुत वाइड कर दिया कि इसकी वजह से जो नुकसान, जो भी नुकसान हुआ है उसको भी कंपनसेट करना, उसको भी कंपनसेट करना, ठीक है, डिपेंडिंग क्या क्वांटम है कैसा है। तो उसके बाद हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है, डेंसिटी, इट इज माई राइट टू नो, राइट। सिमिलरली मुझे कुछ भी चीज खरीदनी है तो मेरा राइट है कि मैं उसके बारे में हर चीज पूछ सकता हूं और उसे मुझे बतानी पड़ेगी। देन इज द राइट टू चॉइस। राइट टू चॉइस में क्या है कि मैं कुछ भी चीज खरीदने जाता हूं, कोई सर्विस अवेल करने जाता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट शॉप और दैट मॉल है, बड़ा स्टोर है, कुछ है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू ऑफर मी अ चॉइस। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमाम का साबुन है तो यही लेना पड़ेगा आपको, उसने चार दिखानी है उसमें से आप पसंद करेंगे, मुझे पसंद करना है, इट इज माई राइट, वो कंपेल नहीं कर सकता, वो कंपेल नहीं कर सकता और उसे एक रीजनेबल मुझे चॉइस प्रोवाइड करनी है। अनलेस अंटिल आप, सपोज हम बात करते हैं एक छोटा मोहल्ले का दुकानदार है, वो बेचारा जितना रख सकता है उतना ही रख पाएगा ना, तो उससे हम शायद ये तवक्को नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां पे करेंगे। अब फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि सपोज एक्सक्लूसिव शोरूम है, ब्रांड शोरूम है, अब ब्रांड शोरूम में भी एक्सक्लूसिव है तो वो तो नेचुरली आपके अलावा तो कुछ रखेगा नहीं, लेकिन वहां पे भी हम उसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगर सपोज ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स में डील कर रहा है, ही शुड ऑफर मी रेंज ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है ना, कि वो ये नहीं बोलेगा कि आपको ये वाली खरीदनी है, ठीक है, दिस इज माई राइट ऑफ, राइट टू चॉइस। देन इज राइट टू बी हर्ड, कि अब इस वक्त मैं दो राइट्स एक्सरसाइज कर रहा हूं आपके पास, रादर तीन यहां बैठे हुए, वन इज राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर राइट टू बी हर्ड भी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और उसके बाद हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन जी, उसमें अवेयरनेस है, देन राइट टू सीक रिड्रेसल। अब जो हमारी कमीशंस हैं ये एसेंशियली इस राइट के अंडर लोग हमें अप्रोच करते हैं टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट देयर ग्रीवियंसेस। बिल्कुल सही जो आपने बात कही कि राइट टू सीक रिड्रेसल, इस पर हम और भी थोड़ा बात करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो चला है एजुकेशन का। जी हाँ, एक हमारा सेगमेंट होता है जो डॉक्टर तारिक साहब लेके आते हैं, तो ये एजुकेशन का सेगमेंट देखने के लिए आइए चलते हैं तारिक साहब के पास। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे जिंदगी की। देखिए, जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हम किस जगह पे पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, क्या शक्ल सूरत लेकर पैदा हुए, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो दुनिया में आया है उसको जाना भी है, कहाँ हमारी एंड होगा ये भी हमें पता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन, आप देखेंगे लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन टू अल्फाबेट्स, बी एंड डी। बी मीन्स बर्थ, डी मीन्स डेथ, जिन पे दोनों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और अल्फाबेट आता है, दैट इज सी। सी लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, ये जो भी हम चूज करेंगे, वी कैन लर्न नॉट टू रिएक्ट बट टू रेस्पॉन्ड। अब देखिएगा, कोई भी हमारे पास कुछ ताने दे सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, हम गिर गए तो हमारे बारे में नेगेटिव बोल सकता है, इट इज वी, हम उसको रिएक्ट करें या रेस्पॉन्ड करें, ये सिखाया जा सकता है बच्चों को। वी कैन लर्न how to grow, not go through life but grow through life. We can learn not to react but to respond. पानी की बोतल, अब देखिए कितना भी शेक करेंगे बिल्कुल बिल्कुल काम अपने, और आप देखिएगा अगर आपके पास सोडा की बोतल है, ये सोडा का बोतल को क्या हो जाता है, हम छलकते हैं, हमारे मुंह से जाग आ जाती है, सारा हमारा जो अंदर है गुस्सा बाहर आ जाता है, कंट्रोल नहीं किया, बाद में पूरी जिंदगी पछताते हैं कि वो एक वर्ड जो तीर्थम से भी ज्यादा खतरनाक है। तो क्या है स्टिमुलस, सर्कमस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, डिफिकल्टी आ सकते हैं, कंफ्लिक्ट, फियर, मगर हमारे पास चॉइस है हम इसको कैसे रेस्पॉन्ड करें। ये रेस्पॉन्स के लिए मैं आपको बताता हूं, सपोज मेरी इसमें कहते हैं कीप एंड इन माइंड, सपोज मुझे घर जाना है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं अपनी मिसेज को बोलता हूं मुझे खाना दे दीजिए, रोटी बनाओ, मैं आ रहा हूं, बड़ी भूख लगी है। उन्होंने रोटी जैसे तवे पे रखी, मेरे बेटे ने उनको पानी मांगा, तब तक रोटी जल गई, रोटी जैसे ही जली मैंने कहा लाना है कि नहीं, 99% लोग ऐसे होंगे, मैंने कहा उन्होंने सामने रखी वो एक साइड से जली हुई थी, तो न्यूटन्स फोर्थ ला, देखिए न्यूटन्स ला बिल्कुल ठीक है, मगर मैं कहता हूँ लाइफ में इस तरीके से मत कीजिए। थर्ड ला,
मैंने कहा नीचे बैठो, ये कोई रोटी है खाने की? तो वहां से भी वापस जवाब वही रिएक्शन आएगा, खाना है तो खाओ वरना है। तो मेरा जो कीप एंड इन माइंड है वो गलत हो गया। इसके बदले दैट इज रिएक्शन। अगर रेस्पॉन्स करेंगे, रेस्पॉन्स ये था कि कहा तुम्हारी, सर मैं वही कहता हूँ, थोड़ा सा बच्चों को वो एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी, कहाँ तुम्हारी रोटी, मैं तो उंगलियां चाटता रहता हूँ। वो कोई ना कोई लेवरेज दे देंगे, कुछ भी बोले, बोले हाँ हाँ, उससे ये चीज हो गया, कल का आपका सवर गया, कल से आपकी बीवी आपको कभी जली हुई रोटी नहीं देगी, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन बढ़ाई, मेरी बीवी तो जो जली हुई रोटी बना ही नहीं सकती। तो एक्सपेक्टेशन बच्चों में भी, नंबर काम आ गए, कोई नहीं बेटा मैं जानता हूं, मेरे बेटे हो तुम, यू आर जीनियस, आप जब बोलेंगे तो आप देखिए ये बनाया जा सकता है, हाउ टू रेस्पॉन्स ये सिखाया जा सकता है, हाउ टू मेक अवर किड्स रेस्पॉन्सिबल, रिसोर्सफुल एंड रेस्पेक्टफुल, ये बनाया जा सकता है थ्रू वर्कशॉप्स, ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। नाजिन आपने गुड मॉर्निंग एजुकेशन देखा डॉक्टर तारिक मरगूब के साथ, और जो बातें उनने बताई बहुत आसान है, अगर हम उसे अमली तौर अपनाएं तो बहुत फ़ायदेमंद है, कोशिश कीजिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो फिलहाल बात कर रहे हैं हम आज के हमारे मेहमान से, जी हाँ हमारे आज स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है महीप गुप्ता जी, जो कि हमारे मेम्बर हैं कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन JNK के। महीप जी, एक शख्स जैसे अभी हम आगाज में बात की मेरे साथी ने, बस आपने कि पेट्रोल या डीजल की बात की हमने, तो वहाँ पर हम देखते हैं डेंसिटी की प्रॉब्लम रहती है तो हम चिल्लाते हैं, हम चीखते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें अवेयरनेस है। लेकिन जब हेल्थ सेक्टर में हम आते हैं, आजकल हम देखते हैं कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ पर जब हमारे साथ हमारे राइट्स की वॉयलेशन होती है हम कहीं बात नहीं करते। शायद इसमें मे बी एक्चुअली कुछ हमारा ना सोसाइटल या वो कह लीजिए जो अपब्रिंगिंग है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ना हम इसे अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं। शायद मतलब मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, डेस्टिनी इन द सेंस कि हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर तो अल्लाह का ही अवतार वो है, भगवान का ही रूप है, तो इसने तो अपना बेस्ट किया, ठीक है, तो लेकिन उसकी डेस्टिनी में था, डेस्टिनी में था। बट ऐसा भी नहीं, क्योंकि आज ये ना अनफॉर्चुनेटली इतना नोबल प्रोफेशन है लेकिन इसमें भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस आ चुकी हैं। अब उस अनएथिकल प्रैक्टिसेस के आते चलते काफी चीजें लीक से हटकर होती हैं जो अनफेयर ट्रेड की कैटेगरी में आती हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो एरिया आ जाता है, ग्रे एरिया आ जाता है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ओके, तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, पहले तो ये हम समझे कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होता क्या, किसे एक्चुअली हमारे एंगल से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडजुडिकेशन प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या होगी। तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हम उसे मानेंगे कि जहां पे जो एक सेट प्रोसेस है, मतलब मैं एक पर्टिकुलर डिजीज डायग्नोज हुई तो जो SOPs फॉलो करने चाहिए थे, बिकॉज वी हैव ए इंडियन मेडिकल काउंसिल है जो SOPs होते हैं। अब ये अलग चीज है कि आज की डेट में एक ही बीमारी के लिए डिफरेंट अलग अलग मेथड्स आ गए हैं जी। तो हम मेथड को चैलेंज नहीं करेंगे, बट उस मेथड में जो बेस्ट पॉसिबल मेथड था क्या वो अडॉप्ट किया गया, क्या उसके SOPs फॉलो किए गए, क्या जानबूझकर उसमें कोई गफलत तो नहीं की गई। तो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली अगर मुझे लगता है तो मेरा राइट टू सेफ्टी जो है उसकी वायलेशन हुई है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इवन JNK में भी आज की डेट में, अभी की हमारा कंज्यूमर कमीशन पिछले 4 साल से बंद ही थी, तो अब जब रिवाइव हुई है तो यहाँ पे भी वी हैव पेंडिंग केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस विद अस। तो पीपल कैन अप्रोच अस फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस या अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। कई बार क्या है कि मुझे ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है और करवा दी, करवा दिया। कल TV देख रहा था मैं तो कि पुरानी घटना है कहीं की, उसका फ्रैक्चर हुआ बाईं लात पे और उसका सर्जरी कर दी दाईं लात की। पर महीप साहब, यहाँ पे एक जो बड़ा इशू है, क्यों नहीं लोग जाते हैं ये एड्रेस कराने के लिए, तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, इसकी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे बड़ा एक फैक्टर है, और एक जगह से दूसरी जगह फाइल जाती है, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो उसके पीछे इंसान कब तक भागे, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। क्या अब की बार कोई टाइम बाउंड है कंज्यूमर के लिए? मैं
इसमें आपके साथ एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ. अनफॉर्चुनेटली पेंडेंसी काफी है तो उसमें टाइम लग रहा है. अदरवाइज अगर हम एक्ट की बात करें, नए एक्ट की बात करें, तो उसने हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की है. दो तरह के केसेस हमारे पास कंप्लेंट्स आ जाएंगी. एक जिसमें प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, एक जिसमें प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं है, सर्विसेज की बात हो रही है कि डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट में अगेन दो रूट्स निकल आती हैं. एक तो जो अपेरेंटली पता है कि ये डेफिशिएंट है, मतलब ये डिफेक्टिव है. दूसरा जिसमें हम इक्विप्ड नहीं है उसे डिसाइड करने में कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है, तो उसको कहीं एक्सपर्ट लैब में भेजना पड़ेगा. ठीक है, तो जहां पे ये लैब इन्वॉल्व नहीं है, एक्ट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करता है कि हमें 3 महीने में उस कंप्लेंट का डिस्पोजल करना है. ओके. और जहां पे लैब इन्वॉल्व है वहां 5 महीने की टाइम लिमिट है. ओके. ये हो गया हमारी तरफ. ठीक. कि अब आते हैं कंज्यूमर की तरफ कि उसने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी, उसके लिए भी कोई टाइमलाइंस है. जी. तो कंप्लेंट के लिए जो उसकी टाइमलाइन है, जिस दिन उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जी, उसके 2 साल के अंदर अंदर उसे कंप्लेंट करना है, उसे कंप्लेंट करना है, अदरवाइज लिमिटेशन पीरियड में आ जाएगा. ओके. लिमिटेशन पीरियड में भी देन इट इज अवर डिस्क्रिशन कि अगर सपोज आपकी कोई कंप्लेंट है वो हमारे पास आ रही है, 2 साल के बाद आ रहे हैं आप, लेकिन आपके पास कोई जस्टिफाइड ग्राउंड है, जो वजह है, राइट, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं उस कंप्लेंट, वो आप हाँ. वो आप देंगे तो देन इट इज फॉर अस टू सी वेदर इट इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले. सपोज किसी के से वी टेक एन एग्जांपल कि किसी की गाड़ी थी, वो गाड़ी की इंश्योरेंस थी, एक्सीडेंट हो गया, ओनर खुद गाड़ी चला रहे थे, उनकी डेथ हो गई. अब उनके बच्चे छोटे हैं, उनको पता ही नहीं, वो लिबर्टी एक प्रॉपर मिल जाती है. अब वो बेचारे लेट हो गए आने के लिए. ठीक है, तो अब उनको सिर्फ इस बिना पे उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे फैक्ट्स को कि नहीं यार वाकई में इसके पास जेन्युइन रीजन है, तो हम उसे एंटरटेन कर सकते हैं. सिमिलरली अपील की बात करते हैं, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो किसी की अपील है वो फैसले से खुश नहीं है, कोई भी पार्टी जाना चाहती है, तो उसके पास 45 दिन का समय है. ओके. कि वो स्टेट में जाएगा. अगर स्टेट के अगेंस्ट अग्रीव्ड है, देन नेशनल में 30 दिन का टाइम है उसके विद इन 30 डेज. विद इन 30 डेज. सो दीस पीरियड्स आर वेरी क्रूशियल व्हिच हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. गुप्ता जी, लेकिन सबसे पहली बात ये कि अगर मेरे कहीं पर राइट्स की वायलेशन हो गई है तो मैं कमीशन को चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पर कैसे फाइल कर सकता हूं, कैसे फाइल कर सकता हूं? इसमें मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा. एक सवाल जो आपने वकील वाला रखा, इसे रखिएगा स्टैंड बाय, अगर मैं भूल गया तो उसे मुझे बताइएगा. आज हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं. कई बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि हम लिटिगेशन में जाएं, लेकिन आपके एट द सेम टाइम वी सिंसियरली विश कि यार ये जो मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं ये बंद होनी चाहिए. तो जैसे एक काउंसिल मैंने बताया आपको. दूसरा, देयर इज अ टोल फ्री नंबर, अगर इफ आई एम राइट, इफ माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, इट इज 1915. ओके. दैट इज एट नेशनल लेवल टोल फ्री नंबर. उस टोल फ्री नंबर पे आप अपनी ग्रीवेंस बताएंगे, आप अपना वो बताएंगे, तो वो टोल फ्री नंबर आपकी पूरी चीज लेगा, रिकॉर्ड करेगा, आपकी कंप्लेंट बुक हो जाएगी. एंड वी हैव सीन कि काफी केसेस में उसका रिड्रेसल उसी लेवल पे हो जाता है. ठीक है, बहुत खूब. 1915 जी, बहुत ही खूब. हमारे पास टाइम की थोड़ा लिमिटेशन रहती है, हमारा स्टूडियो की घड़ी का इशारा भी है कि वक्त बहुत कम बचा है. मैं मुख्तसर आपसे जानना चाहूंगा, क्या एक कंप्लेंट करने के लिए हमें वकील की जरूरत पड़ती है? जी नहीं, अपने लेवल पे हो सकता है. जी नहीं, आप इसे खुद भी कर सकते हैं. ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ऑनलाइन जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑनलाइन मैं इसी पे आ रहा कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन. मैं इसी पे आ रहा था. जी, एक प्लेटफॉर्म है ई दाखिल. ठीक है, पूरे इंडिया में चल रहा है अभी, J&K एंड लद्दाख नहीं है, बट आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइव बाय नेक्स्ट मंथ. ओके, ग्रेट. ठीक है, अभी लाइव नहीं है. अभी लाइव नहीं है क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, पेमेंट गेटवेज वगैरह को इंटीग्रेट करना था. जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि वो पेमेंट गेटवे वाला जो वो है, वो इंटीग्रेशन हो गई, उसकी कुछ टेस्टिंग चल रही है. तो अगर वो टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू स्टार्ट दैट. तो वो एक बहुत बड़ा मीडियम हो जाएगा, आप अपने घर से बैठकर
लॉगिंग करके कंप्लेंट कर सकता है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडवोकेट। सी, मुझे पेट दर्द है तो मेरे से बढ़िया एडवोकेट कौन है भैया बताने के लिए कि मुझे पेट दर्द है। मेरा जेन्युइन रीजंस है। मैंने एक चीज ली वो उसमें सर्विसेज का, जहाँ पे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है वहां तो चलो वकील मुझे चाहिए क्योंकि अच्छा, फिर भी हाँ ये अदरवाइज भी समरी ट्रायल है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ लॉज इसमें नहीं चलेगा। हमें समरी बेसिस पे देखना है कि इसमें क्या है अकॉर्डिंगली, तो वन कैन प्लीड हिमसेल्फ। तो उसमें कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज की दिक्कत आती है, तो अभी लाइक मेरे पास ही ये केस आ गया था, वो कश्मीरी में बात करते थे, अनफॉर्चुनेटली मुझे कश्मीरी नहीं आती, वो उनको उर्दू नहीं आती थी। अब हाउ टू डिस्कस, तो आपके पास रेमेडी तो हर एक है ना, तो मैंने किसी को बोला कि भैया आ जाओ ये आप तो ट्रांसलेट कर दीजिए। ओके, उस केस का रिड्रेसल किया उसका, बहुत खूब। तो हमारे पास आखिरी दो मिनट है और मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे महीप साहब की, हमें बताइए कि एक तो प्राइवेट एंटाइटीज के लिए हम कंप्लेंट दर्ज करते हैं, क्या गवर्नमेंट एंटाइटीज के लिए भी हम कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं? देखिए कंज्यूमर की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछे, रह गई थी थोड़ा सा इसमें। कंज्यूमर उसे कहते हैं जिसने कोई पेमेंट करी है, ठीक है, खरीदा, कोई पेमेंट करी है। अगर आपको फ्री में सर्विसेज मिल रही हैं तो उसके लिए नहीं है, फ्री में गुड्स मिल रहे हैं तो उसके लिए नहीं है, ये उसको रिड्रेसल नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपने खर्चा है तो इरेस्पेक्टिव की सरकारी सर्विस है या प्राइवेट सर्विस है, तो उसके लिए आप दोनों इस दायरे में आ जाते हैं, दोनों इस दायरे में आ जाते हैं। महीप गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस प्रोग्राम को अपना वक्त देने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इसे और ज्यादा बात करने की जरूरत थी, लेकिन आगे इंशाल्लाह अगर मौका मिला आपको फिर से दावत देंगे, आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन आज आप हमारे स्टूडियो आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बस आप जी। तो कुल मिला के बात यही सामने आई कि एक कंज्यूमर को अपने राइट्स का पता होना चाहिए, उसके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, अगर उसके पास अवेयरनेस है तो वो अपने राइट्स के लिए किसी भी दरवाजे को खटखटा सकता है। बिल्कुल, अगर उसे लगता है कि उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और ये एक ही चीज के लिए नहीं है कि हमने कहीं से कपड़ा खरीदा या पेट्रोल खरीदा या कुछ भी, हमने कहीं से अगर कोई सर्विसेज ली है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की ली है या हमने कहीं पर कोई सर्विसेज ली हैं, जैसे हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, हमें महीप गुप्ता जी भी बता रहे थे कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर केसेस को फिर तोड़ मरोड़ के कंज्यूमर के खिलाफ कर दिया जाता है, लेकिन एक कंज्यूमर अगर अवेयर है तो वो अपना जो उसके जो राइट्स हैं उनका तहफ्फुज़ भी कर सकता है और अपने लिए अपने राइट्स को बचाकर आगे भी चल सकता है। बिल्कुल, और तबरेज साहब इसके साथ साथ एक अच्छी बात है कि आप गवर्नमेंट अगेनस्ट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट हो तो वहां पे भी आप दर्ज कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली है कि बोथ वेज, प्राइवेट भी एज वेल एज गवर्नमेंट भी, क्योंकि आप कुछ सर्विसेज के लिए आप पे कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसके लिए आप पेमेंट करते हैं तो वहां पर आप बिल्कुल हकदार बन जाते हैं सर्विस के। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इंशाल्लाह कल सुबह आपसे होगी मुलाकात इसी शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेएनके।